झारखंड एशियन वीमेन्स हॉकी चैंपियनशिप को लेकर रांची में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी उत्साह के बीच भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सविता पुनिया और कोच जेनेक शॉपमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम इंडिया की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की तैयारी पूरी है, तो वहीं ओलंपिक और एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंचने में असफल रही। ऐसे में एशियन चैंपियनशिप को लेकर भारतीय टीम की तैयारी कैसी है, इस पर कप्तान ने कहा कि भारतीय टीम हर दूसरी टीम को बेहतर मानकर चल रही है। ऐसे में भारतीय टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम इंडिया में काफ़ी टाइम के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है और होपफुली हम अपनी गेम से आप सबको इम्प्रेस करेंगे। थैंक यू। सविता जी, एक सवाल है, दो सवाल मिक्स है। ये भारतीय टीम की तैयारी कैसी है, क्योंकि ओलंपिक में हम लोग चौथे स्थान पर थे, एशियन गेम्स में हम लोगों ने ब्रॉन्ज लाया था, ये बड़ा इवेंट है, पहली बार फिर हो रहा है, तो क्या इस बार आप चाइना से पार करने के लिए तैयार हैं? इसी में ऐड कर देता हूँ, चाइना से सेमीफाइनल में आप लोग शायद जीरो से हार लाते हुए क्या चाइना को इस टूर्नामेंट से बिल्कुल हमारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और एशियन गेम में भी काफ़ी अच्छी तैयारी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जाने से पहले हम बोले कि नहीं ये चीज़ मिस था। और आपके क्वेश्चन का कि हाँ आपने पूछा सेमीफाइनल लूज किया, डेफिनेटली हमें पता है कि वो मैच हम अच्छा नहीं खेले थे, ओपोनेंट कैसा खेला वो सेकेंडरी है, बट हम खुद हम 18 मेंबर्स अपनी टीम अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं थे। बट हर चीज़ सीखने के लिए होती है और स्पोर्ट्स में हार जीत दोनों ही चीज़ें, कोई भी चीज़ को आप कंफर्म लेके नहीं चल सकते हो। समटाइम्स बहुत अच्छा खेल के भी वो रिजल्ट नहीं मिलता और अभी पूरी टीम काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और एक यही है कि हमें मैच बाय मैच जाना है। खाली चाइना नहीं है, फर्स्ट मैच हमारा थाईलैंड के साथ है, देन मलेशिया के साथ है, तो हर एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टार्टिंग में बोला वही कि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है और झारखंड में हमें पता है कि यहाँ की ऑडियंस कितना सपोर्ट करती है, कितना सब कुछ है, तो एक हमारे लिए भी एक नई चीज़ है, चैलेंज है, बट उसके साथ साथ हमें खुद की गेम पे फोकस रखना है कि हम कैसे एज ए टीम इस टूर्नामेंट में खेलते हैं। यस, आई मीन what I think, and I think Savi already said, and I think Grace maybe also, like for us, the ability for us as a women's team to play a game or a tournament actually in our own country, you know, in India, in front of a crowd, is something that I think as a player is nothing more you can ask for. It's something super special, you should look at it that way. Those moments don't come very often and you should appreciate it for the full extent that it is. And I think that's what we want to do. We want to show our best side here. We are ready to go, we want to go. Yes, January is crucial, and in that respect, we want to get it right now so we know what we have to do the next couple of months. And if we don't get it right now, then at least we know what we need to fix. What is your forecast regarding Indian? Forecast? I never do forecasts. but what I will say this, I expect them to work their ass off, literally. You know, I want to see a team that fights, never gives up, that shows the crowd what they came to see, and that is a team that plays with heart, a team that plays together, a team that shows how well we can. देखिए, ड्रैफ लीग में जैसे हम दीपिका और मैं हूँ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैफ लीग एक थोड़ा हम लोग के लिए जो रहता है ना कि फर्स्ट रसर ओपोनेंट का जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, तो उसमें जैसे हीटर भी है, नवनीत कौर है और नेहा है, तो उन लोग का भी एक एडवांटेज मिलता है कि हम लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस उस दिन नहीं दे पा रहे तो एक हीटर भी उस दिन स्कोर करता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमारे जो बाकी हैं उन लोग कर रहे हैं। और ट्रैक पे जब स्कोर करने के अलावा जब पेनल्टी कॉर्नर डिफेंड पे करते हैं तो डिफेंस पे क्या ट्रेनिंग चल रही है, वो थोड़ा सा बता सकते हैं? डिफेंस में भी देखिए, जैसे चाइना टीम है उनका जो ड्रैग फ्लिक है बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से हम लोग भी देखते हैं कि ओपोनेंट का जो ड्रैग फ्लिक अच्छा है या स्लैप अच्छा है, हिट अच्छा है, तो उस हिसाब से हम भी एक ट्रेनिंग करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट रसर है उन लोग भी बहुत अच्छा है, मतलब जो चार करते हैं उतना ही बस नहीं है, हमारे जो टीम में जितना भी डिफेंस करते हैं उन लोग बहुत अच्छे हैं, तो हम बिलीव करते हैं कि हम कौन सा जिसे स्लैप मारते तो हम कौन सा रसर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वहीं झारखंड के खिलाड़ियों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी की जमकर तारीफ की। कप्तान ने बताया कि पेनल्टी कॉर्नर को लेकर टीम ने काफी मेहनत की है, तो वहीं कोच ने बताया है कि हमारी कोशिश संतुलित टीम को उतारने की होगी जो टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।